हेलो एवरीवन, आज हम आपको लेके चल रहे हैं बादलों के शहर पेलिंग। पर उससे पहले वेलकम बैक टू माय चैनल डिस्कवर बाइकर अश्वनी। दूर तक पहाड़ी पहाड़ है बादलों से घिरा हुआ, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में। आज हम आपको दिखाएंगे ऐसी पांच जगह जो आप पेलिंग आने पर विजिट कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है कंचनजंगा वाटरफॉल्स। आइए आपको ले जाते हैं कंचनजंगा वाटरफॉल्स की ओर। ये बेहतरीन दृश्य देखने के लिए आपको 20 रुपीज़ पे करना होगा। टिकट है यहाँ पे 20 रुपीज़ पर हेड। ये देखिए वाटरफॉल से गिरता हुआ ठंडा पानी, क्या बात है, मन को शांति मिल गई। बहुत ही ज़्यादा ठंडा है पानी, काफ़ी बेहतरीन नज़ारा है नेचर के बीच में, बहुत ही सुंदर। आप मज़ा लीजिए वाटरफॉल का, एंजॉय कीजिए इस बेहतरीन व्यू को। ये वाटरफॉल मेन टाउन से करीब 300 मीटर की दूरी पे है, जहाँ जाने के लिए आपको करीब 1.25 घंटा लग जाएगा। वाटरफॉल के साउंड को सुनिए ध्यान से, इतना सुकून देती है ये कानों को। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और पास में बेल आइकन को जरूर दबाए, ताकि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। यहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स जीप लाइन ट्रैवर्सिंग भी होता है, जिसके लिए आपको 100 रुपीज़ पे करना होगा। ये स्पोर्ट्स आप 100 रुपीज़ पे करके इसका एंजॉय कर सकते हैं। एंड है दुबरी मोनेस्ट्री, जो कि सिक्किम की सबसे पुरानी मोनेस्ट्री है। ये मोनेस्ट्री 1701 एडी में बनाई गई थी। ये देखिए रास्ता, इस रास्ते में आपको लीच भरे पड़े मिलेंगे, इसीलिए आपको ध्यान से जाना होगा इस रास्ते से। ये मोनेस्ट्री की डिटेल्स दी हुई है यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। ये हरियाली आंखों को काफी ज्यादा ठंडक दे रही है, कहते हैं इन ध्वजों से बहती हुई हवा भी स्वच्छ हो जाती है। पेलिंग विजिट करने का सबसे बेहतरीन समय है मार्च से मई के बीच में। जहाँ तक नज़र जा रही है सब कुछ हरा ही हरा है। आइए अब चलते हैं मोनेस्ट्री के अंदर और आपको दिखाते हैं कि इतनी पुरानी मोनेस्ट्री कैसी है। तो ये है दुबरी मोनेस्ट्री, सिक्किम की सबसे पुरानी मोनेस्ट्री। ये मोनेस्ट्री के अंदर का नज़ारा है, ये देखिए काफी खूबसूरत। और हम आ गए हैं मोनेस्ट्री के अंदर।
काफी खूबसूरत है मोनेस्ट्री। तीसरे नंबर पे है नोर्बुगेंग कोरोनेशन थ्रोन। ये थ्रोन युपसम में स्थित है जो कि फेलिंग में है। ये थ्रोन उस जगह को दर्शाता है जहां राजा चोगियल की ताजपोशी हुई थी। ये थ्रोन तीन राजाओं का है जिसमें से कि एक राजाओं के पैर के निशान आज भी चट्टानों पर स्थित हैं। थ्रोन के चारों ओर गार्डन बनाए हुए हैं और गार्डन में बेंचेस भी है जहां आप बैठ के थोड़ी देर शांति में रह सकते हैं। अब हम आ गए हैं सबसे बेहतरीन मोनेस्ट्री कार्तोक मोनेस्ट्री में, जो कि काफ़ी खूबसूरत है अंदर से भी और बाहर से भी। ये देखिए मोनेस्ट्री के अंदर का नज़ारा, बिल्कुल सोने की तरह चमकता हुआ। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और पास में बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। पांचवें नंबर पे है खिचियोपालरी लेक। कहते हैं कि ये वो तालाब है जहां लोग अपनी मन्नतें पूरी करने आते हैं। यहाँ पे आके लोग जो मन्नत मांगते हैं वो पूरी हो जाती है, ऐसा लोगों का मानना है। ये लेक बाकी लेक से अलग है। इस लेक की पवित्रता ऐसी है कि यहाँ के लोगों ने इसे एक स्थल बना दिया है। इस लेक में काफी सारी मछलियाँ भी है जो आपको दिख रही होंगी अभी। तो चलिए आगे मिलेंगे आपके साथ फिर से एक नए सफर पे। आई होप आप सभी को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।